मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए ढेर सारे स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 में। और ये जो 30,000 का बजट रेंज है, ये कुछ महीनों में काफी ज्यादा चेंज हो गया है, जस्ट बिकॉज काफी सारे न्यू फोन्स आपको देखने को मिले हैं, वो भी अंडर बजट 30,000 में। और अगर अभी के टाइम पे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स रिकमेंड करने वाली हूँ जो आप अभी के टाइम पे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप अपने लिए बेस्ट पिक कर सकें। और यहाँ पे मैंने फोन्स को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, यानी कि बेस्ट कैमरा फोन कौन सा होने वाला है, या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस फोन कौन सा होने वाला है, या फिर आपको एक फ्लैगशिप किलर एक्सपीरियंस देने वाला फोन कौन सा होने वाला है, एंड और भी कैटेगरी है जो आप अभी वीडियो में देखने वाले हो। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो जो पहली कैटेगरी है वो है बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, और यहाँ पे डेफिनेटली एक न्यू लॉन्च फोन तो आने वाला है, और ये फोन है Realme 13 Pro Plus। एंड डेफिनेटली ये कैमरे के मामले में नेक्स्ट लेवल है। अगर आपको एक DSLR वाली फोटोज चाहिए तो आप डेफिनेटली आप इस फोन को बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कैमरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलने वाला है। अगर यहाँ पे मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.7 इंचेस के एक AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, Qualcomm की तरफ से Snapdragon 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलता है जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे, Android 14 पे बेस्ड है, Realme UI 5.0 पे वर्क करता देखोगे। एंड यहाँ पे आपको 50 megapixel के ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाते हैं, पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस आपको यहाँ पे मिलता है जिसके अंदर आप 3x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, थर्ड कैमरे में भी आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, फ्रंट कैमरा यहाँ पे आपको 32 megapixel का वाइड कैमरा मिलता है, 5200mAh की बैटरी है जो सपोर्ट करती है 80W के चार्जिंग स्पीड को। इस फोन को आप लिटरली इस सेगमेंट का बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन बोल सकते हो, और प्लस यहाँ पे जो इसके प्रॉन्स है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्ले तो अच्छी मिल ही रही है, कैमरा भी अच्छा मिल रहा है, बिग बैटरी का भी सपोर्ट है, बट यहाँ पे जो कॉन्स है वो ये है, इसके अंदर जो चिपसेट यूज किया गया है वो लास्ट ईयर यूज हुआ था, तो और उन्होंने ही यहाँ पे इसको सेम चिपसेट के साथ इसको लॉन्च किया है। लेकिन ये जो चिपसेट है वो बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ न्यू होता तो वो चीज ज्यादा बेटर होती। लेकिन यहाँ पे आपको बेस्ट कैमरा फोन मिल रहा है, एक अच्छी डिस्प्ले मिल रही है, कर्व्ड आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जा रही है, डिजाइन वाइज भी ये फोन काफी ज्यादा अच्छा है, एंड अंडर 30,000 में आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो अभी के टाइम पे। सो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की, एंड ये कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन, और इस कैटेगरी में पोको S6 जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे कि कैमरे भी यहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा, तो वो चीज यहाँ पे नहीं, क्योंकि कैमरा इस फोन का डिसेंट है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 6.67 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिल रही है जो वर्क करती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 8S Gen 3 वाला प्रोसेसर है जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे, Android 14 बेस्ड है, 3 साल के मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं इसका वर्क करता देखोगे HyperOS के साथ, डुअल कैमरा सेटअप है 50 megapixel का, एंड फ्रंट में आपको 20 megapixel का कैमरा मिल जाता है। बैटरी की बात की जाए तो 5000mAh की बैटरी है विद 90W चार्जिंग के साथ। अगर आप यहाँ पे इसकी डिस्प्ले देखोगे ना, तो यहाँ पे जो बेजल्स हैं आप काफी ज्यादा मिनिमल बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लस इस फोन के अंदर आपको मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। 1.5K रेजोल्यूशन के साथ इसकी डिस्प्ले आती है, परफॉर्मेंस के मामले में भी ये बेस्ट है, 60fps पे आप यहाँ पे आराम से गेमिंग कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर आपको एक परफॉर्मेंस बेस्ड फोन चाहिए जहाँ पे आप प्रो गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं, तो पोको S6 को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, ये भी आपको अंडर 30,000 में मिल जाएगा फोन। सो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की, ये कैटेगरी उन लोगों के लिए जिनको एक फ्लैगशिप प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इस कैटेगरी में मोटो H50 प्रो डेफिनेटली आता है, क्योंकि जो इसका डिजाइन है, लुक है, काफी हद तक ये आपको प्रीमियम देता है, प्लस स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन है, क्लीन UI एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे जितने भी मोटोरोला के अपडेट्स हैं वो आपको काफी स्लो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अदरवाइज ये फोन एक फ्लैगशिप किलर फोन है। प्लस यहाँ पे अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 6.7 इंचेस की PoLED डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 7 Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलता है जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे, Android 14 बेस्ड है, 3 साल के मेजर अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं, देखते हैं कब। लेकिन वो ट्रिपल कैमरा सेटअप है 50 megapixel का, फ्रंट में आपको 50 megapixel का वाइड कैमरा मिल जाता है, बैटरी में आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है विद 125W चार्जर के साथ, 50W का आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 10W का रिवर वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। और ये सेगमेंट का एक ऐसा फोन है IP68 रेटिंग के साथ आता है,
पानी में लेके जाइए, बारिश में गीला हो रहा है फोन, कोई दिक्कत नहीं आएगी फोन को। एंड यहाँ पे आपको एक कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है जो काफी ज्यादा प्रीमियम बन जाती है, जो इनहैंड फील होने वाला है उसका एक्सपीरियंस आपका काफी ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि जो इसके अपडेट्स हैं वो थोड़े लेट आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन मिलता है, फालतू के ब्रॉडवेयर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी एक फ्लैगशिप प्रीमियम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो मोटो एच 50 प्रो को कंसीडर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बेस्ट यूनिक स्मार्टफोन। अब यहाँ पे आप गेस करके बताइए कि बेस्ट यूनिक फोन कौन सा हो सकता है, क्योंकि काफी सारे फोन लॉन्च हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस कैटेगरी में कौन सा फोन आना चाहिए। तो अगर आप गेस नहीं कर पाए तो मैं बता देती हूँ कि इस कैटेगरी में अभी जो न्यूली लॉन्च फोन आया है नथिंग फोन 2A+। हालांकि ये जो फोन है नथिंग 2A से काफी ज्यादा सिमिलर है डिजाइन वाइज, लुक वाइज, पर अगर मैं एक यूनिकनेस की बात करूं तो ये फोन काफी ज्यादा यूनिक हो जाता है डिजाइन वाइज। क्योंकि अगर आप इसका डिजाइन देखोगे तो पीछे आपको ग्लिफ लाइटिंग देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पे आपको जो प्लास्टिक का आपको यहाँ पे बैक मिल रहा है वो काफी ज्यादा यूनिक हो जाता है, लेकिन फोन की जो डिस्प्ले है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। बट यहाँ पे ये चीज बोलूंगी, जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है सब डिसेंट मिलने वाली है। यहाँ पे इसकी डिस्प्ले भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाता है, फोटोज यहाँ पे आप डिसेंट बोलने वाले हो, क्योंकि कभी ये फोटोज अच्छी क्लिक करता है, कभी आपको फोटोज बेकार क्लिक होती है। लेकिन यहाँ पे ये कैमरा जो है वो डे लाइट एंड इनडोर में थोड़े आपको अलग फोटोज देखने को मिल जाते हैं। प्लस ये चीज है कि जो चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है। लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो 6.7 इंचेस के आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। टेक की तरफ से डेमेंसिटी 7300, 50 प्रो आपको यहाँ पे मिलता है जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे, एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है, जिसका वर्क करता देखोगे नथिंग OS 2.6 पे। प्लस यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी है यहाँ पे आपको, फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिल जाता है, 5000 एमएच की बैटरी जो सपोर्ट करती है 45 वॉट की चार्जिंग स्पीड को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो इसकी परफॉर्मेंस मिल रही है, यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है उसके अंदर आप 60fps पे आप BGMI खेल सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको सारी चीजें डिसेंट मिल रही है। प्लस ये चीज लेकिन अच्छी बात है कि फालतू के आपको ब्लॉटवेयर्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं, एक क्लीन UI एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, एक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इस फोन के साथ देखने को मिलता है। तो अगर आप भी एक क्लीन UI एक्सपीरियंस फोन चाहते हैं, एक यूनिक फोन चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली नथिंग फोन 2A+ को यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आपको अंडर 30,000 में इजिली मिल जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने सैमसंग वालों के लिए एक भी फोन नहीं रखा है इस कैटेगरी में, तो आप गलत हो। क्योंकि सैमसंग वालों के लिए, अगर सैमसंग का फोन बाय करना चाहते हैं, उन्हें कोई और फोन नहीं चाहिए, अगर आपको इनमें से कोई भी फोन नहीं बाय करना है, तो आप सैमसंग गैलेक्सी M55 को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी अच्छी मिलती है, कैमरा भी अच्छा मिलता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है, एंड जितने भी सैमसंग के फोन होते हैं वो सॉफ्टवेयर के मामले में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, Qualcomm की तरफ से Snapdragon 7 Gen 1 आपको प्रोसेसर मिलता है जो वर्क करता है 4nm की चिपसेट पे, Android 14 है, One UI 6.1 पे आप वर्क करता देखोगे, ट्रिपल कैमरा सेटअप है 50 मेगापिक्सल का जिसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिल जाता है। तो Samsung Galaxy S55 की जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, सुपर एमोलेड प्लस आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है मल्टीमीडिया वो काफी अच्छा होने वाला है, 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट है, 5 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल रहा है, और ये फोन भी आपको अंडर 30,000 में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप एक सैमसंग का ही फोन बाय करना चाहते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी M55 5G को आप कंसीडर कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे फोनों के लिस्ट है जो आप अभी के टाइम पे अंडर 30,000 में आप इनको बाय कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली अलग अलग कैटेगरीज में है। अगर आपको बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया है, अगर बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो वो भी मैंने आपको बताया है। तो अपने नीड एंड यूजर के अकॉर्डिंग इन फोन्स को बाय करिए, और इन सभी फोन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।